नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम मिलाने वाले हैं आपको स्वराज 744 एफी फोर व्हील ड्राइव के ऐसे किसान भाई से जिन्होंने इस ट्रैक्टर को चलाया है और इसका क्या रिजल्ट इनको लगा है वो जानकारी हमारे आपको आज हमारे किसान भाई मिलाएंगे बताएंगे कि कैसा इनको रिजल्ट लगा। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम है भैया विवेक मीना और मैं फ्रॉम चंदेरी का रहने वाला हूँ। जी भैया, जैसे कि ये स्वराज का 744 एफी आपने ले रखा है तो इसको लिए हुए आपको कितना टाइम हो गया? अभी लिया भैया, धनतेरस के रोज ही लिया है। कितने घंटे आपने लगभग चला दिया? मेरा 70 घंटे। 70 घंटे आपने चला दिया, किस किस चीज़ के ऊपर चलाया है आपने? अभी ये रोटोवेटर पे भी चलाया, बखर पे भी चलाया। फोर व्हील बखर और रोटोवेटर चलाया, फोर व्हील तो लगाया नहीं, बेस ही हिंच लेता है। वैसे कल्टीवेटर वगैरह ये 7 का आराम से चलाता है, 7 का ही नॉर्मल सही रहता है, बाकी ज्यादा हेवी हो जाता है वो कोई मतलब नहीं है। हेंच तो लेगा वो, 10 का भी हेंच लेगा। अच्छा, इतना बड़ा लगा हुआ वो भी हेंच लेगा, उसमें समस्या नहीं है। लेकिन उसमें की समस्या ये है कि कचरा माचरा होता है, इतने टाइम का चल नहीं पाता। हाँ, वो ज्यादा बड़ा कल्टीवेटर चल नहीं पाता कचरा वगैरह लगने की वजह से। कल्टीवेटर पे क्या इसका रिस्पॉन्स रहा, कितना क्या डीजल एवरेज रहा? इसका एवरेज अभी तो नया है तो इसका एवरेज आया अपना 4 लीटर, 4.5। अभी नया है ये, सर्विस में आ जाएगा लगभग में 7 टाइम के कल्टीवेटर पर आपका 4.5 के समथिंग का। तो क्या रोटोवेटर चला रहे हो आप इसके पीछे? अभी रोटोवेटर चला रहा है अपन, ये निकाल रहा है 4 का अभी रोटोवेटर के पचार। ये अपना 7 फीट 7 फीट का रोटोवेटर, कोई दिक्कत नहीं। आप अंधाधुंध चलाओ कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कैसे ही चलाओ ऐसे ही चलाओ, दबने का कोई काम नहीं है। इसके स्वराज का 744 एफी क्यों चूज किया फोर व्हील ड्राइव में? 855 पे क्यों नहीं गए? क्योंकि ये 50 HP की श्रेणी में है पूरा, 52 HP का। तो खास कर बात ये है कि इससे ऊपर जाओगे एवरेज मेंटेनेंस नहीं आएगा, आपकी जमीन भी मच जाएगी इसमें, काम भी ठीक से बाद में क्या है कि जमीन मचना भी नहीं चाहिए और काम भी ठीक से होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। इसका ऐसा ऑलराउंडर है, आप इससे बोनी भी कर सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी, जगह भी नहीं मचती, टायर छोटे अपन लेंगे तो उसमें जगह जमीन में नहीं मचेगी। अच्छा, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, उसके तो बड़ा साइज आता है। दूसरी बात, मतलब इसके पहले आपके पास कौन सा ट्रैक्टर था? मेरे पास था मेसी का 52 45, फोर व्हील था। अभी भी है फोर व्हील है वो या टू व्हील है? वो टू व्हील है, टू व्हील है वो 50 HP का है। फोर व्हील चाहिए था, धान मान में चलाना है। काई पे अच्छा कर, धान गड़े मचाते ना उसमें चलाना, धान में तो ये उसमें अच्छा चलेगा। अच्छा, उसमें थोड़ी क्या खप जाता था, बहुत समस्या है। अच्छा, कीचड़ में रह जाता ट्रैक्टर, जैसे कि जो इससे आसानी से होगा। 52 45 भी है लेकिन आप चलाओगे तो वो तो चल लेगा, कोई दिक्कत नहीं, हमने देखा है। अच्छा है, आपने वैसे रिस्पॉन्स देख के ही लिया हुआ कैसा? हाँ, इसका एवरेज भी बढ़िया है और बैठक मैठक भी बहुत बढ़िया है। जैसे कि 50 HP आपके पास घर पे 52 45 भी है और ये भी 52 HP का 744 है, तो दोनों के एवरेज में से किसका एवरेज बेटर लगा आपके पास? अब एवरेज तो काम के ऊपर है, इससे ये काम उससे बेटर करेगा, अब एवरेज में तो वो ठीक था वो, लेकिन ये है कि ये काम उससे ज़्यादा करेगा, 52 45 से काम ज़्यादा करेगा। वो हल्का पड़ता है, इसमें ब्लेड भी कसवा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ब्लेड वगैरह ब्लेड का कोई काम नहीं है वो, आप उस पर रोटोवेटर पे ला नॉर्मल चलाता ये, लेकिन उससे बेटर काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। 50 वो भी है, ये भी 50 है, लेकिन उससे बेटर ये रहा है। कितनी ज़मीन है लगभग आपके पास? मेरे पास है 30 एकड़। 30 एकड़ ज़मीन है उसमें चला रहे हैं आप, और उसके बाद में और भी क्या इसकी और क्या खासियत आपको लगी? खासियत ये है कि मतलब आपको कहीं नॉर्मल चलाना है फोर व्हील निकाल के चला सकते हो, अच्छा दिक्कत नहीं है उसमें, जैसे नॉर्मल यूज़ करना है तो टू व्हील में कर सकते हो, उसको फोर व्हील लगा लो। और इसके रिव्यूज मतलब इसके 3 टाइप के दिए, 3 टाइप गियर, जैसे फर्स्ट लगाओगे तो थोड़ा नॉर्मल घूमेगा, सेकंड लगाओगे तो और स्पीड में घूमेगा, गियर पीटी भी है, मतलब चौथा जो टॉप बोलते हैं जिसको वो लगाएंगे तो और स्पीड में, पीटीओ भी अलग अलग तरीके, मतलब गियर इसको चेंज करके रिवर्स पीटीओ लगाएंगे तो रिवर्स पीटीओ घूमने लगेगा, रिवर्स भी घूम जाएगा। इसमें 540 RPM वाला भी दिया। अच्छा, 540। और भी बैठक बैठक में कैसा क्या लगा आपको ये ट्रैक्टर? बैठक में बहुत कंफर्टेबल लगा। कैसा क्या रिस्पॉन्स ना, मतलब क्यों कसवाई, के शौक के लिए कसवाई है वो क्या है, उससे ट्रैक्टर बेटर लगता है और वैसे छाँव माँव तो आजकल उसमें भी बचती है, उसमें भी बचता है। हाँ, उससे क्या ट्रैक्टर की सुविधा बढ़ जाती है। अच्छा, इससे चलो। और दूसरी बात, लाइटें वाइटें रात में थोड़ा उजाला ज़्यादा हो जाता है, उसमें दिक्कत नहीं आती। अच्छा, लंबा फोक्स जाता है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटर भी कंपनी से लगा के दिए, जैसे आप ट्रॉली उठाओ
उसको अलग से लगवाना पड़ता था। इसमें कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर लगा के प्लाव वगैरह के लिए, प्लाव भी चला सकते हो आप, कुछ भी चलाओ आपको, मतलब कोई दिक्कत नहीं, मतलब पूरी तरीके से आप संतुष्ट हैं। जैसे कि इसमें टेंडम पंप कंपनी की तरफ से आया हुआ है, आपके 5245 में शायद टेंडम पंप नहीं था तो उसमें प्रॉब्लम होती थी कि प्लाव वगैरह चलाने में? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, सादा पंप ही है उसमें भी, इसमें भी सादा ही है, सादा ही पंप है इसमें भी, सादा पंप ही है। बाकी रोड ट्रिप में तो हमें पसंद नहीं थी क्योंकि वो उसका एवरेज भी अच्छा नहीं आता है, रोटरी पंप का नहीं लेता खासकर, रोटरी पंप का लोड भी सादा पंप ही पसंद है, रोटरी पंप पसंद बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, बाकी आप इसको 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 ही नंबर आपकी तरफ से। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों, किसान के पास स्वराज का 744 एपी फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है। किसान के द्वारा दी गई जानकारी आप सभी किसान भाइयों को कैसी लगी, लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइए। साथ ही चैनल पर भी नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना।